बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बहुत ही ज़बरदस्त एक स्पेशल डे है एडवर्ड्स कॉलेज में। जिस तरह आप लोग देख भी सकते हैं, बिल्कुल तैयार हो के अभी कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये स्पेशल डे आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूवर्स एडवर्डियंस हैं और एक्स एडवर्डियंस हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपना कॉलेज देखें और जितने भी नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम करेंगे। और आज फर्स्ट डे है और जितने भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम करेंगे और वो मोमेंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अच्छा जी, तो आप लोग ये देख सकते हैं स्टूडेंट जा रहे हैं और वी विल ट्राई अवर बेस्ट के फूलिंग ना हो, क्योंकि फूलिंग यार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और ये लोग फूलिंग को समझते भी नहीं है कि व्हाट डज इट मीन। यार पार्किंग में बिल्कुल जगह नहीं मिल रही और सब कुछ एवरीथिंग इज़ फुल, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि कहीं ना कहीं घुस जाए। घुसेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये लो जी, इंशाल्लाह जगह मिल गई, जगह मिल गई, इधर पार्क करेंगे। हाय हाय, बाइक्स भी खड़ी है लेकिन इंशाल्लाह पार्क करेंगे इधर। ये भी चाचा इस तरफ आ रहे हैं और देखेंगे क्या। और ये इतना सख्त चाचा है कि मैं बता नहीं सकता। तो अभी इंटर हो गए कॉलेज में और इधर इंशाल्लाह यहाँ के मजे मजे की सीन्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अफान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी? अच्छे, चलो फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। नहीं, ये लोग अभी इस बात पे लड़ रहे हैं कि कॉलेज में 2 घंटे ब्रेक होगी या कितने घंटे होगी। ए ब्रदर, कितने घंटे ब्रेक होगी? कितने घंटे? 2 घंटे ब्रेक होगी। आप अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, सही है, तो बी मेच्योर और इन बातों का बिल्कुल ख्याल भी ना रखें। बस अगर आप 2 घंटे लेना चाहते हैं तो 2 घंटे भी ले सकते हैं, सही है, लेकिन स्टडी पे फोकस करें। दिस इज द व्यू ऑफ एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर। हाँ काशिफ, क्या सीन है? स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह वेलकम करेंगे और अभी स्टूडेंट्स के साथ भी मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलो जी, चलो। अच्छा तो अभी कैंटीन की तरफ जा रहे हैं और ये सारे जितने भी नए शर्ट्स जिन्होंने पहने हैं तो ये सारे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं। ये सारे आप लोग देख सकते हैं, इंशाल्लाह मेरे व्यूवर्स भी होंगे यहाँ पे। और व्लॉग स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे है जी? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हियर टू एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, इट्स योर फर्स्ट ईयर? अच्छा जी, चलो। तो ये सारे फर्स्ट ईयर वाले हैं, ये भी फर्स्ट ईयर वाला है, चल गए। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, वे दाम चल गए खलक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर का सीनियर प्रोक्टर्स है, तो अभी ये फर्स्ट ईयर वालों को इंस्ट्रक्शन देंगे। और मेरा भी आप लोगों को ये सजेशन होगा कि फ़र्स्ट ईयर वालों के साथ खुसूसी रियायत करें, क्योंकि ये लोग रूल्स रेगुलेशन नहीं जानते। तो आप लोग इनको सिखाएंगे पहले, और फिर अगर आप लोग फाइन भी करते हैं तो फिर ठीक होगा। पहले अपने आप पर लागू करेंगे, फिर इनको सिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सही है। तो आप लोग अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो दे दें। अच्छा आपकी वीडियो के लिए फिर। अच्छा जी, अगर कोई प्रॉब्लम आपसे मोबाइल ले ले तो बिल्कुल बखुशी जी आता है, वो बार मैं आपको देख वापस कर देगा, लेकिन अगर आप उसके साथ रीजनिंग करोगे तो फिर वो नहीं आता। वेलकम टू एडवर्ड्स कॉलेज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।
थैंक यू जी, थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा फर्स्ट ईयर वालों के साथ भी मिले और भी हमारे जो व्यूवर्स हैं हमारे थ्रू यहाँ एडवर्ट्स कॉलेज आए हैं, तो उन लोगों के साथ भी आप लोगों को मिलवाएंगे, टीचर्स के साथ भी आप लोगों को मिलवाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। ये सारे जितने भी लोग हैं फर्स्ट ईयर वाले हैं, सिर्फ ये एक बेचारा BS वाला है। तो चलो जालिम दे पुत्र, फर्स्ट ईयर वाले और फर्स्ट ईयर वाले पे बदमाशियां करते हैं। तो ये सारे फर्स्ट ईयर वाले अभी निकल रहे हैं और बाहर का सीन भी देखेंगे कि फूलिंग वगैरह तो नहीं होती यहाँ पे। ये हमारे चाचा है और ये सारे स्टूडेंट्स आ चुके, तो अभी बाहर का सीन देखेंगे कि फूलिंग यहाँ पे होती है या नहीं। तो लेट्स सी। دزی غریب ډنګ دی دا دلته فولینګ پسې راغلی لکه ته سټوډنټان فریدا کنه بچی فولینګ کې ها زما ریډ بیبی مولاړ دی دادی او چلو دیکھتے ہیں کہ لوگ فولینګ اس دفعہ کرتے ہیں یا نہیں تو یہ یہاں کا سین ہے اور یہ جاوید چاچا ہے جاوید چاچا السلام علیکم سنگل جی تاسو خی برگر ته ولې نه ولاړ ये जावेद चाचा है और ये कहते हैं कि इसके ग्लास का प्राइस भी रेड बुल इतना होता है। तो बहुत अस्सलाम वालेकुम, पखेरुनो पखेरु सिंगा चल रहे तस्खी ठीक ठाक, बाय बाय फ्रॉम एडवर्ड्स कॉलेज, बाय बाय। इसका FSC कंप्लीट हो गया तो ये चला गया, बस थैंक यू जी। ये है हाजी साहब का ग्लास, बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये। तो ये सारे फर्स्ट ईयर वाले और कुछ स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर वाले भी हैं, तो आई थिंक के दे आर फॉर फूलिंग्स। अच्छा तो ये स्टूडेंट्स भी ज़रा देखते हैं कि क्या सीन होगा। देखो दाचा। अच्छा तो आप लोग ये देख सकते हैं, इसको फूलिंग नहीं बोलते, सही है। फूलिंग इस तरह होनी चाहिए कि जस्ट इंट्रोडक्शन वगैरह करे और ये चीज़ें, तो इस तरह नहीं होना चाहिए यार। तो हमारे जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, पुलिस डिपार्टमेंट्स है, वो किस लिए है? आया वो हमारे हिफाजत के लिए नहीं है, तो मैं सिर्फ यही डिमांड करूंगा कि वो हमारे हिफाजत के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने पिस्टल्स भी निकाल लिए एक दूसरे पे, तो अगर खुदा ना खास्ता एक भी कत्ल हो जाता है तो फिर क्या होगा। अच्छा जी, तो ये हमारा एक व्यूवर है, कहते हैं कि आपकी हर वीडियो में देखता हूं, बहुत बड़ा फैन हूं। अच्छा आपकी हर वीडियो से तो लाइक भी करता हूं। अच्छा अच्छा, सही है जी। चलो थैंक यू यार एंड वेलकम हियर टू एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम सिंगल जी, भजन तो सही ठीक ठाक कैसे रहते? अस्सलाम वालेकुम सिंगल जी, कैसे कैसे हैं आप? अच्छे वीडियोस वगैरह देखते हैं मेरे? अच्छा अच्छा, और कोई खिदमत हो हमारी लाइक तो मैं ताबेदार। सही है जी, थैंक यू जी। ज़र कुछ कम सब रो कभी आप सेल्फी हुआ खलीखा। अच्छा चलो जी, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
तो मैं गाड़ी में बैठे हुआ था तो ये मुनासिब नहीं था कि गाड़ी में बैठ के वो सेल्फी ले सके। जो भी हो अपने व्यूवर्स की वजह से हो और बस इट्स एवरीथिंग। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसके साथ भी अभी फूलिंग करते हैं ये लोग। वो लका ए लका अलका ए देखो गोरा माला रश देखो रश 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 तो फूलिंग में कोई यो खिस्तान दास की फूलिंग को कैसे ही ना खोई चे आउटसाइड सलेरा नशी ना ना खैर दे लेकिन फूलिंग मतलब दई का ना कि आप लोग उनको वेलकम करें सही है आप लोग इनको वेलकम करें। और फ्यूलिंग इस तरह नहीं होती कि टाई सर पे बांध ली जाए उसकी बेइज्जती करे। अभी तो वाले आए थे कुछ बंदे तो हमें तो इनको उनसे छुड़ा रहे थे अभी तो हम गप बस सही है बहुत ज्यादा गुजारा किया करे। और थैंक यू जी थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन थैंक यू अल्लाह हाफिज। हाँ जी अच्छा तो ये सारे स्टूडेंट्स भाग रहे हैं और ये भी भाग रहा था लेकिन इसको मैंने कहा कि आओ मेरे साथ बैठ जाए तो इंशाल्लाह ये लोग कुछ भी नहीं कहेंगे आपको सही है आप हमारे मेहमान हैं और इंशाल्लाह और भी अगर कोई खिदमत हो तो हम आपके ताबेदार हैं सही है। ये बेचारा इतना डरा हुआ था कि आप यकीन करें कि बिल्कुल वो बातें भी नहीं कर सकता था लेकिन मैंने इनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आप जब भी कॉलेज से बाहर आए तो आप अपने टाई उतारा करें बैग में रखा करें स्लीव्स भी ऊपर किया करें तो फिर आपको इस तरह समझेंगे कि ये कोई सेकेंड ईयर वाला स्टूडेंट है या बीएस का स्टूडेंट है। मेरा नाम है डॉक्टर गुलजार जलाल हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट बीएस सेक्शन। सर फर्स्ट ईयर वाले भी आ चुके हैं एडवर्ड्स कॉलेज में तो आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे और आप फूलिंग के हवाले से क्या कहेंगे। आजकल जितने भी फूलिंग्स होते हैं तो कोई मारपीट करते हैं या एब्यूजिंग करते हैं या बहुत बेड तरीके से फूलिंग करते हैं तो फूलिंग हम किस तरह करेंगे या उन लोगों को वेलकम करेंगे या फूलिंग करेंगे। माय डियर ये बहुत ही एक गलत तरीका है। फर्स्ट ईयर के जितने स्टूडेंट्स आए हैं पहले तो हम उनको वेलकम करते हैं हमें बड़ी खुशी है कि नए लोग नया खून आया है और हमारी एनर्जी भी है इनके आने से बढ़ जाती है जितने असातिज़े कराम है जितने फैकल्टी मेंबर्स है। हम इस पैगाम के साथ इस अज़म के साथ उनको वेलकम कहते हैं उनको खुशामदीद कहते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा फ्यूचर में यही लोग जो है ये हमारे सोसाइटी हमारे कंट्री हमारे नेशन इसके लिए पिलर साबित होंगे बिल्डर्स ऑफ नेशन साबित होंगे। तो इस बाकी आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया है दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये है कि सिविलाइज्ड मुआशरों में सिविलाइज्ड नेशंस जो अच्छे इदारे हैं वहाँ पे जितने सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं जो इदारे में पहले से मौजूद होते हैं जब नए लोग आते हैं तो उनको इनके रहनुमाई करते हैं उनको गाइड करते हैं और उनको जो तकलीफ़ हो वो कोशिश करते हैं कि उनको तकलीफ़ ना हो इसलिए कि वो नए आ जाते हैं। ये तो फूलिंग नहीं है ये तो इंसल्ट है ये तो गाली देने के बराबर है। ये स्टूडेंट्स का जो है ये उनके जो नफसियाती तौर पर साइकोलॉजिकल सोशल फाइनेंशियल ये एक्सप्लाइटेशन है। तो मेरे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो इदारे यानी एडवर्ड्स कॉलेज के अंदर हो या एडवर्ड्स कॉलेज के बाहर हो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है इनके कि ये आपके छोटे भाई हैं इन छोटे भाइयों को आप ऑन करें आप उनको गाइड करें और कोशिश करें कि उनको सहूलत हो। बाकी ये भी मालूम हुआ है कि बाहर से जो जिसको हम आउटसाइडर कहते हैं वो भी आ जाते हैं और तमाम इदारों के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं सिर्फ एडवर्ड्स कॉलेज नहीं बल्कि तमाम कॉलेजेस उनके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और बहुत बदतमीज़ी करते हैं यंग स्टूडेंट्स जो है। तो एडवर्ड्स कॉलेज में तो हमने ये जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं हमने रिटन तहरीरी तौर पर उनको दिया है कि वो बाहर कॉलेज के बाहर अपने पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं हमारे जो पुलिस के अहलकार हैं उनको तैनात करें और जितना हो सकता है जितने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करें इसलिए कि ये इनके नए आना है नए दिन है नए जज्बे हैं
नए वलवले हैं तो उनका एहतराम करना चाहिए, न कि उनको हम भी तौफीर करें। तो ये कुछ चंद कीमती अल्फाज थे सर डॉक्टर गुलजार जलाल के, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हमारे, तो इन पर हमें अमल करना चाहिए। और थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट वर्ड्स। वेलकम माय डियर, वेलकम। जी मेरी एक काविश थी, एक मेहनत थी इस वीडियो में कि मैं अपना ये मैसेज कन्वे करूं कि जितने भी स्टूडेंट्स फूलिंग करते हैं ये ना करें, बहुत ही बुरा होता है। तो आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो इस व्लॉग से फ़ायदा लिया होगा। अगर थोड़ा उससे भी फ़ायदा लिया होगा तो इस व्लॉग को शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्रांड न्यू व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।